Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. This is totally free. Hello everyone, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल Yes Entertainment and Fitness में। दोस्तों, क्या आप भी डिनर के वक्त कंफ्यूज होने लगते हो कि क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए? अक्सर जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिनर एक तो हमें जल्दी लेना होता है और हल्का लेना होता है। ऐसे में हर वक्त हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या बनाया जाए जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसी डिनर रेसिपी जो कि ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि टेस्टी भी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है और पहले से ही बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके रखने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। और ये तीनों ही रेसिपी प्रोटीन से भरपूर है जो कि आपके पेट को काफी देर तक भरा हुआ भी रखता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो कुछ बात आप जरूर ध्यान रखें कि डिनर जो है वो आप सोने से 3 से 4 घंटे पहले कर लें, ताकि जो कुछ भी आपने खाया है वो सोने से पहले ही काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाए। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि रात के खाने में आप प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें और कार्ब्स बिल्कुल ना लें, क्योंकि कार्ब्स जो है वो हमारे वजन को बढ़ाता है। तो इसलिए रात के खाने में प्रोटीन खाएं और इसके साथ में आप सैलेड जरूर लें, क्योंकि सैलेड फाइबर से भरपूर होता है। और ये जो प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, ये कमाल का है, क्योंकि इसे साथ में लेने से आपका वेट लॉस तो तेजी से होता ही है, इसके साथ ही आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि सोने से आधे घंटे पहले आप 1 ग्लास हल्दी वाला दूध जरूर पिए, क्योंकि हल्दी वाला दूध पीने से आपके बोन्स और मसल्स भी मजबूत होंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हमारी पहली रेसिपी है पनीर स्टर फ्राई। मैंने लिया है यहाँ 200 ग्राम पनीर। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इस सब को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दे। अब कुछ कटी हुई सब्जियाँ जैसे लहसुन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर और ये कटे हुए प्याज लेंगे। इसके बाद एक पैन को गर्म कर ले और इसमें 1 चम्मच ऑयल डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालें, फिर कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च को भी इसमें डाल के इसे कुछ सेकंड के लिए भून लें। ये देखिए, ये भून चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च। इस सबको डालने के बाद भी हमें इसे 1 मिनट के लिए और पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें टमाटर भी मैं ऐड कर दे रही हूँ और इन सारी सब्जियों को साथ में सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बस इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुका है। बस अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को डालने के बाद अब इसे 3 से 4 मिनट और पकाना है। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, इसे बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, हमारा पनीर बिल्कुल रेडी है। तो ये मैं गैस का फ्लेम अब ऑफ कर रही हूँ और इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसके साथ में मैंने एक कटा हुआ खीरा लिया है और इस पे थोड़ा सा नींबू स्क्वीज कर देते हैं, ताकि इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आए। तो इस रेसिपी को बना के जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत हेल्दी है, टेस्टी है और वेट लॉस में तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। हमारी दूसरी रेसिपी है चना चाट। मैंने लिया है 1 कटोरी चना। इसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इसे मैं कुकर में डालकर इसमें मीडियम साइज के ग्लास से 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे चढ़ा देंगे और गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है और 4 सीटी लगने तक इसे पका लें। 4 सीटी लग चुकी है और ये देखिए, हमारा जो चना है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अब 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो नींबू की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काबली चना की जगह आप ब्लैक चना भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा चना चाट बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसे बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। आज की तीसरी रेसिपी है सोया चंक्स रेसिपी। ये मैंने 1 कटोरी सोयाबीन लिया है। अब इसमें मीडियम साइज के ग्लास से मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। इसके बाद इसे गैस पर चढ़ा देंगे तब तक के लिए, जब तक इसमें एक अच्छे से उबाल ना आ जाए और हमारा सोयाबीन सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, ये उबल चुका है और ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे ऑफ करके इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया और इसका पानी निचोड़ लिया। ये देख सकते हैं आप, सोयाबीन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब कुछ कटी हुई सब्जियाँ लेंगे। इसके बाद एक पैन को अच्छे से गर्म कर लें और इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा जीरा, इसके बाद हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो नमक को अभी स्किप कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ और इन सबको साथ में पका लें। और जब ये पक जाए तो इसमें हमारा जो कटा हुआ प्याज है वो भी डाल देंगे और टमाटर।
इन सबको डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से। और ये देखिए ये पक चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और ठंडा होने के बाद इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है। फिर इन मसालों को कढ़ाई में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैं मीडियम साइज़ के ग्लास से ही थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। इसके बाद इसे चला लें और एक उबाल आने तक इसे और पका लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से उबल चुका है। तो अब बारी है इसमें सोयाबीन डालने की। तो ये मैंने सोयाबीन डाल दिया और इसे डालने के बाद आप इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पकने दें। और जब ये पक जाए तो आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए 1 चम्मच गरम मसाला। और बस ये हमारा सोयाबीन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों, हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी और भी हेल्दी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं वहाँ सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।